दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। यूपी पुलिस के लिए स्पेशल ये क्लास जो मैथमेटिक्स पर बेस्ड है, आज हम लोग एससीएफ और एलसीएम पर बात करेंगे। और इस वीडियो में, ये वीडियो का पार्ट 7 है, जिसमें मैं मौसम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, वो जो बेसिक हैं और जिन पर आपकी एक समझ बननी है, उनको मैं लिया हूं। इसमें एलसीएम कितने तरीके से और एससीएफ कितने तरीके से निकाला जाता है, इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं मौसप यानी एससीएफ पर केवल बात करूंगा कि एससीएफ निकालने के क्या क्या तरीके हैं और कैसे एग्जाम में आप जल्दी से आंसर दे सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। और इस वीडियो में मैंने कुल 15 क्वेश्चन लिए हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन थोड़े और अच्छे होते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर यह क्वेश्चन नंबर 1 है, 18, 42 और 102 का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ निकालना है। अब देखिए एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ जो होता है किसी भी संख्या का सबसे बड़ा फैक्टर होता है, यानी जो दो संख्याएं हैं या तीन संख्याएं 18, 42 और 102, इनका सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 14 है। तो एक तरीका यह है कि हम लोग 14 से देखते हैं कि ये सारी संख्याएं कट रही हैं कि नहीं। तो 14 से तो 18 ही नहीं कटेगा, तो ये उत्तर नहीं होगा। अब 8 से देखते हैं तो 8 से 18 नहीं कटता, ये भी उत्तर नहीं होगा। 7 से देखते हैं तो 7 से देखते हैं तो 7 से 18 नहीं कटेगा, ये भी उत्तर नहीं होगा। तो 6 से 18 कट जाएगा, 42 कट जाएगा और 102 भी कट जाएगा। तो 6 इसका सही उत्तर हो गया। तो देखिए इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि 18 को हम लोग फैक्टर कर दें, तो 2 × 3 × 3 और 42 का फैक्टर कर दें, 2 × 3 × 7 और 102 का फैक्टर कर दें। तो देखिए ये 2 से पहले कट जाएगा, तो 2 × 2 × 5 = 10 और 2 × 1 = 2 और ये हो गया 2 × 17 = 51, 3 × 17 हो गया। और एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं कि इसे प्राइम फैक्टराइजेशन या अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लिए हैं, तो ये 2 × 2^1 × 3^2 हो गया। यहाँ 2^1 × 3^1 × 7^1 हो गया और यहां पर देखिए 2^1 × 3^1 × 17^1। अब इसमें देखते हैं कि ये तीनों संख्याओं में वो कौन कौन संख्याएं हैं जो कॉमन है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे। तो कॉमन देखिए 2 है 3 है, ये तीनों में 2 और 3 कॉमन है। 7 और 17 जो है सब में कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन है उनको लिख लेते हैं। तो 2 और 3 कॉमन है। अब दूसरे नंबर पर बात आती है कि 2 और 3 के सबसे छोटा पावर लिखते हैं, तो 2 का भी सबसे छोटा पावर 1 है और 3 का छोटा पावर भी 1 है। तो 2 × 3 = 6 इसका एचसीएफ आ गया। एक तरीका ये है। एक और तरीका मैं चाहता हूं कि आपको बता दूं। तो देखिए एक तरीका ये है कि इन तीनों संख्याओं का आपस में डिफरेंस लेते हैं, माने अंतर लेते हैं और सबसे छोटे अंतर पर बात करते हैं। तो देखिए 42 और 18 का अंतर कितना हुआ, तो 12 में से 8 गया 4 और 3 में से 1 गया 2, ये 24 आ गया। 102 और 42 का अंतर देखेंगे तो 2 में से 2 गया 0 और 10 में से 4 गया 6। तो सबसे छोटा अंतर ये 24 है, इससे छोटा अंतर नहीं मिलेगा। अब 24 से ये देखते हैं कि ये संख्याएं कट रही हैं कि नहीं, तो 24 से ये संख्या नहीं कटेगी। तो 24 का एक फैक्टर देखते हैं, तो 24 का एक फैक्टर 12 है। फिर 12 से इसे देखते हैं कि कट रही है कि नहीं, तो 12 से नहीं कटता। तो फिर 24 के बाद ये 24 का एक फैक्टर 8 है, फिर 8 से देखते हैं तो 8 से भी नहीं कटती। फिर 24 का एक फैक्टर 6 है, फिर 6 से चेक करते हैं, तो 6 से चेक करते हैं तो ये कट जाती है। अगर 6 से भी नहीं कटता तो आगे वाला फैक्टर हम लोग 4 देखते, फिर 3 देखते, फिर 2 देखते, लेकिन 6 से कट गया तो 6 ही इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो तीन तरीके मैंने आपको बताए एचसीएफ निकालने के लिए। और एक और तरीका है जिसे भाग विधि कहते हैं। तो चलिए मैं भाग विधि से भी आपको बता देता हूं। भाग विधि से क्या करते हैं कि सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो यहां पर देखिए 102 है और यहां 18 सबसे छोटी संख्या है, तो भाग देंगे 18 = 54, 18 = 72
1895, तो 5 बार ये चला गया और 2 ये आ गया और 10 में से 9 गया 1। अब 12 से 18 में भाग देते हैं, ऐसे भाग देने वाले तो एक बार जाएगा। अब 18 में से 2 गया, 8 में से 2 गया 6, अब यहां पर 0 आ गया, तो अब 6 से 12 में भाग देंगे तो 6 दूना 12, तो लास्ट में जिससे कट गई संख्या, तो किससे कट गई, पूरी पूरी 6 से, तो 6 इसका एचसीएफ हो सकता है। लेकिन 6 से अभी 18 को कटना है, क्योंकि 6 को अभी 42 को काटता है, तो 6 से 42 कट जाएगा 7 बार में, तो 6 ही इसका सही एचसीएफ हो गया। तो आपने एचसीएफ देखा कि भाग विधि द्वारा, अंतर विधि द्वारा, और एक तरीका और मैं आपको बता देता हूं कि एचसीएफ जो है संख्याओं से, ये जो संख्याएं दी हैं 18, 42 और 102, एचसीएफ इनसे छोटा होता है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या 18 है, तो 18 से 18 तो कट जाएगा, 18 से 42 नहीं कटेगा, 18 से 102 नहीं कटेगा। तो 18 का नेक्स्ट फैक्टर क्या है, 18 का नेक्स्ट फैक्टर जो 18 को काट सकता है वो 9 है। फिर 9 से चेक करेंगे तो 9 से 18 कट जाए, लेकिन 42 से 102 नहीं कटेगा। फिर नेक्स्ट 18 का फैक्टर है 6, फिर 6 से चेक करते हैं तो 6 से 18 कट गया, 42 कटेगा और 102 कट गया, तो 6 ही इसका सही एचसीएफ आ गया। तो इतने तरीके से एचसीएफ निकाल सकते हैं आप, लेकिन एग्जाम में निकालने के लिए जो सबसे बेहतर तरीका होगा, कौन तरीका सबसे अच्छा काम करेगा, वो हम लोग इन तरीकों में से कोई भी अपने विवेक के अनुसार इस्तेमाल करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कि 216, 288 और 720 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, 12, 24, 72 और 84। अब हम लोगों को ये देखना है कि इनमें से जो सबसे बड़ी संख्या है 84, तो 84 होता है 12 × 7, 12 को 3 और 4 काटेंगे तो 12 होगा, फिर 7 कटेगा, 4 से कटने के लिए अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए तो ये कट रहा है, 3 से कटने के लिए 6 2 8 1 9, 8 16 2 18, 7 2 9, ये 3 से भी कट रहा है, 7 से कटेगा कि नहीं, तो 7 से कटने के लिए देखिए 7 4 28, यही 7 से नहीं कटेगा, इसका मतलब कि 84 इसका उत्तर नहीं होगा। अब 84 के बाद आता है 72, तो 72 से देखते हैं, 72 को लिख सकते हैं 8 × 9, अब 9 से कटने के लिए संख्याओं का योग 9 से कटना चाहिए, तो सारी संख्याओं का योग 9 है, देखिए 6 2 8 1 9 ये भी है, 8 8 16 2 18 ये भी 9 से कट जाएगा, 7 2 9 ये भी, तो 9 से ये सब कट गई। अब 8 से कटने के, तो 8 से कटने के लिए अंतिम 3 अंक यानी ये पूरी संख्या 8 से कटनी चाहिए, तो ये 8 से कट जाएगा, और 8 3 24 ये भी 8 से कट गया, और 8 2 16 और 8 7 56 ये भी 8 से कट गया, तो 72 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि एचसीएफ क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वही होगा, तो इसमें से सबसे बड़ा फैक्टर भाई 24 और 12 से भी चेक हो सकता है, लेकिन हमको 72 से कटने वाली बात आ गई तो हम 72 ही इसका सही उत्तर मानेंगे। दूसरा तरीका से भी आप, जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में तरीके बताए, उन तरीकों से भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 42, 63 और 140 का महत्तम समापवर्तक निकालना है, फिर वहां भी देखेंगे कि यहाँ सबसे बड़ी संख्या 21 है, तो 21 से 42 और 63 कट जाएगा, 140 नहीं कटेगा, तो ये अब इसका उत्तर नहीं होगा। 9 से नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 9 यहाँ पर 3 तो केवल इसमें मिलेगा और यहां 3 मिलेगा, लेकिन ये 140 में 3 नहीं मिलेगा, तो 9 उत्तर नहीं हो सकता। 14 से देखते हैं, 14 2 42, 14 3 42, लेकिन 63 नहीं कटेगा, तो 14 भी उत्तर नहीं होगा, तो एक ही उत्तर बच गया 7, तो इसका आंसर क्या आ गया 7, 7 से 42 भी कटेगा, 63 भी कटेगा और 140 भी कटेगा। तो ये ट्रिक हम लोग एग्जाम में अपनाएंगे कि जो संख्याएं दी हैं उनमें से सबसे बड़ी संख्या से चेक करेंगे, और ये चेक करने का जल्दी जल्दी तरीका सबसे अच्छा हमें लगता है। तो बाकी आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने जो तरीके बताए हैं एचसीएफ निकालने के, उन तरीकों को यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे अच्छा तरीका मानता हूं बाय ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 52, 65 और 143 को ठीक ठीक विभाजित कर सकती है, यहां भी सबसे बड़ी संख्या 15, 15 से कोई संख्या तभी कटेगी जब 5 से और 3 से कटेगी, भाई 3 से और 5 से कटेगी, 5 से कटने के लिए अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए, तो इसके सिवा और कोई है नहीं, इसका मतलब 15 उत्तर नहीं होगा। अब 3 से कटना है तो अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो 5 2 7 यही नहीं होगा, तो 3 भी उत्तर नहीं होगा।
ग्यारह से कटने के लिए ग्यारह से देखिए 52-65 नहीं कटेगा तो ग्यारह भी उत्तर नहीं होगा, तो अब सिर्फ 13 बच गया जो कि सही उत्तर होगा। 13 से 13 चौक 52, 13 5 65 और 13 से 143 भी कट जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखिए सबसे जल्दी से क्वेश्चन के आंसर पर पहुंच जा रहे हैं इस ट्रिक से और इस कॉन्सेप्ट से। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखिए 96, 168, 32 और 140 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या, यहां भी हम लोगों को क्या निकालना है, एसीएफ निकालना है। एसीएफ निकालने के लिए जो सबसे बड़ी संख्या वहां से चेक करते हैं, 12 से कटने के लिए 3 और 4 से कटना चाहिए, 4 से कटने के लिए अंतिम दो अंक 4 से कटना चाहिए। तो ये अंतिम दो अंक देखिए 4 से ये सब कट जाएगा। अब बात 3 की होगी, तो 9 6 15 ये 3 से कट जाएगा, 6 8 6 14 1 15 ये भी 3 से कट जाएगा, 3 2 5 ये 3 से नहीं कटेगा, इसका मतलब कि 12 आंसर नहीं होगा। तो 12 नहीं होगा तो 3 भी आंसर नहीं होगा, 3 नहीं होगा तो 6 भी आंसर नहीं होगा क्योंकि 6 में भी 3 है। तो आंसर क्या बच गया, 4। तो इसका आंसर आ गया 4, तो इसका एचसीएफ आ गया 4। तो आप देख रहे हैं कि कितना फास्ट तरीके से हम लोग इसके आंसर तक पहुंच रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए 4850 और 4450 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो अब ये जो ऑप्शन दिए हैं इसमें सबसे बड़ी संख्या से हम लोग बात करते हैं क्योंकि सबसे बड़ी संख्या से ही चेक करना है। तो 50 से चेक करने के लिए क्या करेंगे भाई, 50 से ये संख्या कटनी चाहिए, 48 50 और 445 44 और 50, ये 50 से कटनी चाहिए। तो 50 से कटने के लिए 0 से 0 कट गया। अब देखिए ये सबके लास्ट में 5 है, यहां भी 5 है, तो ये 5 से कट जाएगी, इसका मतलब ये 50 से संख्या कट गई, तो 50 ही इसका आंसर हो गया। भले वो 30 5 और बाकी से कट रही है लेकिन सबसे बड़ी संख्या से कट गई तो वही इसका आंसर होगा क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर हो वो लिया जाता है। तो दोनों में हाइएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया 50, तो 50 ही इसका सही आंसर हो जाएगा, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए 150, 225 और 375 का मसप निकालना है। तो यहां सबसे बड़ी संख्या 125 है, 125 से हम लोग चेक करेंगे तो 125 से ये नहीं कट पाएगा 150, इसका मतलब ये नहीं होगा आंसर। अब बचा 75, 75 से अब चेक करेंगे तो 75 से ये 150 कट गया, 75 से 225 कटना है, तो 25 तिया 75 और 25 नवा 225, 3 तियाई 9, ये भी कट गया, 375 कटना है 75 से, तो 75 से कटने के लिए देखिए 15 पचे 75 15 से, और 15 दूना 30 और 15 पचे 75 और 5 पचे 25, तो ये 75 से कट गया, तो इसका सही उत्तर आ गया 75, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी संख्या चेक करेंगे फिर उससे नहीं कटेगा तो उसके बाद जो बड़ी संख्या है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन के आंसर बहुत जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 6/7, 27/14, 15/14 और 12/7 का महत्तम समापवर्तक क्या है। तो देखिए जब संख्याएं भिन्न में हो तो उनका मौसप या एचसीएफ क्या होता है, अंश का मौसप लेंगे, बस बटा हर का लॉस ऑफ। तो ये चीज याद रखिए, भिन्न का निकालने के लिए मॉस ऑफ अंश का यानी एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो अब यहां पर हम लोगों को ये संख्याएं दी हैं तो इसका एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये अंश है ये, तो इसका हम लोग एचसीएफ लेंगे 6, 27, 15 और 12 का, और अंश का तो ये हो गया, और हर का एलसीएम लेंगे 7, 14, 14 और 7। तो देखिए यहां पर 6, 27, 15 और 12 इनको सबसे काटने वाली कॉमन संख्या क्या होगी, 3 होगी। तो 3 देखिए देखिए 6 से सबसे छोटी संख्या 6 से चेक करेंगे तो यहां पर 6 से तो ये कटेगा नहीं, 6 से 12 कट जाएगा, 27 और 15 नहीं कटेगा, तो 6 का जो दूसरा गुणनखंड है फैक्टर है 3, तो 3 से चेक करेंगे तो 3 से कट गया, तो 3 इसका एचसीएफ हो गया। अब देखिए 7 और 14 का एलसीएम 14 होता है तो 3/14 इसका आंसर हो गया, तो 3/14 यानी ऑप्शन ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 में भी देखिए 4/5, 5/7, 4/7 का महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो यहां भी एचसीएफ हम लोगों को निकालना है। तो एचसीएफ ऑफ ये 4, 5 और 4, इसका एचसीएफ लेना है, और एलसीएम किसका लेना है, एलसीएम लेना है 5, 7, 7 का। तो देखिए ये चूंकि तीनों संख्याएं सहअभाज्य हैं, तो सहअभाज्य हैं तो इनका एचसीएफ 1 हो गया, और ये 5, 7, 7 हैं तो ये भी सहअभाज्य हैं, तो इनका एचसीएफ क्या हो गया, 5 और 7 का गुणनफल हो गया, तो 35 हो गया, तो 1/35 इसका सही आंसर हो जाएगा, एचसीएफ आ गया 1/35। आइए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए ये दशमलव में संख्याएं हैं, तो सबसे पहले हम लोग काम क्या करेंगे, दशमलव को भिन्न में बदल लेंगे, तो दशमलव 9 को भिन्न में बदलेंगे तो 9/10 हो गया, अब ये कटेगा ही नहीं तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। दशमलव 4 और 8 को तो ये 48/100 हो गया, इसे काट लेंगे, इसे तो ये 4 से कटेगा, 12 चौक 48 और 25 चौके 100, तो 12/25 हो गया, और ये देखिए 5, 2, 5 तो ये हो गया 525/1000, तो इसे भी हम लोग काट लेंगे, 25 × 50 और 25 × 25 तो 21/ और 25 चौके 100 21/40 हो गया। तो हमारे पास देखिए एक भिन्न आ गया 9/10, 12/25 और 21/40, ये एक भिन्न आ गया। तो हम चाहें तो अब इस भिन्न का एचसीएफ निकाल लें, तो 9, 12 और 21 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 10, 25 और 40 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो देखिए ये 40 किससे कटेगा, 200 से, तो ये 200 हो जाएगा, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया, 3/200, तो ऑप्शन सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि 3/16, 5/12 और 7/18 का जीसीडी ज्ञात कीजिए। जीसीडी मतलब जीसीडी, जी से होता है ग्रेटेस्ट, सी से होता है कॉमन और डी से होता है डिवाइजर। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को हम लोग एचसीएफ भी कहते हैं, तो वास्तव में इसे इसका एचसीएफ निकालना है या जीसीडी निकालना है, तो जो एचसीएफ निकालने का तरीका है वही है। तो एचसीएफ हम लोग निकाल लेंगे 3, 5, 7 का, और एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है 16, 12 और 18 का। तो अब देखिए यहां पर इसका एचसीएफ हो जाएगा, चूंकि 3, 5, 7 ये अभाज्य संख्या है तो इसका एचसीएफ हो गया 1। 16, 12, 18 का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम सबसे बड़ी संख्या होती है, तो यहां 18 सबसे बड़ी संख्या है, तो 2×9 लिख लिए। अब ये अगर यही एलसीएम है तो ये 16 से कटना चाहिए, तो 16 से तो ये कटेगा नहीं, 16 से कटने के लिए इसमें 8 से गुणा करना पड़ेगा, तो 8 से गुणा कर दिए। अब देखिए ये 12 से कट रहा है कि नहीं, तो 4 यहां मिलेगा, 3 यहां मिलेगा, 12 से भी कट जाएगा, तो 9×2 = 18, 18 × 8 = 44 से, तो 144, तो 1/144 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें तो इसका आंसर डी हो गया, इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए 7^8, 7^6, 7^5, 7^10, अगर संख्याएं इस रूप में हैं और बेस सेम हो, बेस यानी ये देखिए 7^8 है, 7^6 है, 7^5 है और 7^10 है, तो 7 यहां पर बेस है, 7 को बेस कहेंगे, सभी 7 बेस सेम है, तो जब बेस सेम रहेगा तो एचसीएफ जो है जो सबसे छोटा पावर होगा वही हो जाएगा, तो 7^5 इसका एचसीएफ हो जाएगा अगर बेस सेम है तो। अब एचसीएफ क्या करता है, एचसीएफ सारी संख्याओं को डिवाइड करता है, तो 7^8 को 7^5 डिवाइड कर देगा, डिवाइड करेंगे तो 7^3 बचेगा, इसी तरह से सब संख्याओं को 7^5 डिवाइड कर देगा, तो सबसे छोटा पावर वाला ही एचसीएफ हो जाता है, कब, जब बेस सेम हो, बेस सेम हो, बेस सेम हो तो उसमें सबसे छोटा पावर एचसीएफ हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए 5^-11, 5^-9, 5^-16, 5^-10 का मौसप निकालना, तो यहां भी देखिए बेस सबका 5 है, तो यहां पावर सबसे छोटा लेंगे, तो सबसे छोटा पावर क्या है, -16,
तो माइनस 16 यानी माइनस में जो सबसे बड़ी संख्या रहती है वो सबसे छोटी हो जाती है, तो माइनस 16 इसका आंसर हो जाएगा और ऑप्शन बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए यहाँ पर पुनः जो है एक बार ये 2.4, 2.36 और 7.2 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो एक तो तरीका और मैं आपको बता देता हूं कि इसमें दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने 100 शून्य वाले संख्या से गुणा करते हैं, तो इसमें हम लोग 100 से गुणा करेंगे पूरे में, तो 100 से इसमें अगर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 240, इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 36 और इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 720। अब 240, 36 और 720 का हमको HCF निकालना है, तो HCF निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, जो सबको काट दे, तो इसमें सबसे छोटी संख्या HCF क्या होती है, जो सबसे छोटी संख्या होती है वही HCF होती है, तो सबसे छोटी संख्या 36 है, तो 36 240 को डिवाइड करेगी कि नहीं करेगी ये देखना है, तो 36 240 को डिवाइड करेगी, देखिए 240 में 36 से एक भाग देंगे, 4 नवा 36 और 4 छह 24, 3 तिहाई 9 और 20 तिहाई 60, तो ये 36 से ये नहीं डिवाइड होगा, 240 72 और 36 तो हो गए, तो 36 का नेक्स्ट जो इसका फैक्टर है वो है 18, तब 18 से देखेंगे, तो 18 में देखिए 9 आ रहा है और 24 में 8 तिरी के 24 इसमें 9 नहीं आएगा, तो 18 से भी नहीं होगा। फिर हम लोग देखेंगे कि अब किससे होगा भाई, तो फिर देखेंगे कि 12 इसका फैक्टर है, तो 12 से, तो 12 से ये हो गया, 12 से ये भी हो गया, 12 से, तो 12 से ये डिवाइड हो गई, तो हमने 100 से भाग दिया था, अब यहां भी 100 से हम लोग 12 में भाग दे देंगे, तो 12 में 100 से, चूंकि ये गुणा किया थे तो अब भाग देना होगा, तो 100 में 12 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.12, तो 0.12 इसका सही उत्तर हो गया और ऑप्शन डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए ये संख्याएं दी हैं, एक संख्या यहां से यहां तक है, दूसरी संख्या यहां से यहां तक है और तीसरी संख्या यहां से यहां तक है। तो HCF निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, जो संख्याएं तीनों में कॉमन है उसे लिख लेते हैं, तो तीनों में देखिए दो कॉमन है, तीनों में तीन तो दो में है लेकिन ये इसमें नहीं है, 5 कॉमन है और 7 कॉमन है। अब ये कॉमन तो निकाल लिए 2, 5 और 7, अब इनके सबसे छोटे पावर लिखते हैं, तो 2 का सबसे छोटा पावर देखिए 2 का यहाँ 3 है पावर, इसमें 2 है और इसमें 3 है, तो 2 का सबसे छोटा पावर 2 है तो 2 लिख देंगे, यहाँ सबसे छोटा पावर लिखेंगे। फिर 5 का सबसे छोटा पावर देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 5 का सबसे छोटा पावर 1 है तो 1 लिख देंगे। फिर 7 का सबसे छोटा पावर देखेंगे तो 7 का सबसे छोटा पावर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो 7 का सबसे छोटा पावर 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे, तो यही आंसर हो जाएगा 2 के पावर 2 × 5 × 7 के पावर 2, तो 2 के पावर 2 × 5 × 7 के पावर 2 ऑप्शन ए सही है। तो इस तरह से हम लोगों ने HCF पर पूरी बात किया, नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ LCM पर बात करेंगे और उसके नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें LCM और HCF से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आते हैं उन पर बात करेंगे। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि आपका LCM और HCF का पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होता चले। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए। नमस्कार।